नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। उमरिया जिले के पाली नगर में शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा के द्वारा फुटबॉल क्रांति कप का उद्घाटन किया है। सर्वप्रथम कमिश्नर श्री शर्मा जी ने माता बिरासिनी के तेल चित्र की पूजा अर्चना की है। इसके बाद रिबन काटकर फुटबॉल को किक मारते हुए फुटबॉल क्रांति कप का शुभारंभ किया। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह पैंद्रू ने कहा है कि यह आयोजन कमिश्नर साहब के निर्देशन में नगर पालिका परिषद पाली के द्वारा किया है। इस फुटबॉल क्रांति कप में नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों के बच्चे आपस में खेलेंगे। इस आयोजन के बारे में कमिश्नर श्री शर्मा ने कहा है कि यह केवल खेल नहीं है, इस खेल को क्रांति कहने का आशय यह है कि फुटबॉल के बहाने हम अपने युवाओं को समाज की राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े। युवा इस क्रांति के माध्यम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा परिणाम सामने आए। हमारे युवा न केवल फुटबॉल खेलें बल्कि अपने रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करें। श्री शर्मा ने कहा है कि आज 100 से अधिक देश फुटबॉल खेलते हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने की होड़ लगी हुई है, जबकि क्रिकेट 2 दर्जन देश भी नहीं खेलते। फुटबॉल के माध्यम से हमारे युवा नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच सकते हैं और अच्छा इस माध्यम से उन्हें अच्छे रोजगार की भी प्राप्ति हो सकती है। उद्घाटन मैच वार्ड क्रमांक 12 वार्ड क्रमांक 10 के मध्य खेला गया है, जिसके वार्ड क्रमांक 10 ने 9-1 से जीत दर्ज की है। इस प्रतियोगिता का फाइनल 15 अगस्त को खेला जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उमरिया जिले के नवागत कलेक्टर बुधेश कुमार वैद्य, जिला पंचायत सीईओ तहसीलदार दिलीप सोनी, जिला तिवारी खेल प्रशिक्षण नेशनल प्लेयर रईस अहमद, पाली नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह पैंद्रू, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। जो शब्द है उसके बारे में, जो पीछे है उसके पीछे का क्या सार है? फुटबॉल क्रांति के पीछे जो दर्शन है वो है कि फुटबॉल के बहाने हम अपने युवाओं को समाज की राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ें। उसको क्रांति इसलिए कहा है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और परिणाम सामने आए कि हमारे खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हुए न केवल फुटबॉल खेलें बल्कि अपने रोजगार के लक्ष्य को भी प्राप्त करें, इसलिए इसका नाम दिया फुटबॉल क्रांति। माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देश अनुसार फुटबॉल क्रांति के आयोजन के अंतर्गत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें नगर पालिका क्षेत्र के समग्र वार्डों के टीमें उतरी हुई हैं, तो लगभग ये जो प्रतियोगिता है 7-8 दिन चलेगा और फाइनल इसका है 15 अगस्त को किया जाएगा। अंकुश, ये फुटबॉल क्रांति बहुत ही एक अच्छा आयोजन है। ये शहडोल के कमिश्नर साहब के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ बीरसिंहपुर पाली में बहुत ही फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हम चाहते हैं कि ये फुटबॉल क्रांति यहाँ होती रहे। धन्यवाद जी। जी, ये फुटबॉल क्रांति का मैच हो रहा है, ये श्री माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि नगर पालिका परिषद पाली द्वारा कराया जा रहा है। इससे जो खिलाड़ी हैं उनमें ज़्यादातर उत्साह हो रहा है और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही खेलने के लिए, जिससे खिलाड़ी आगे तक खेल सकते हैं। धन्यवाद।